नमस्कार, कोटपुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पंकज शेरावत उपस्थित हूँ आपके सामने महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। आज हम बात करने वाले हैं यूनिवर्सिटी एग्जाम 2024 में कॉपी की जो एंट्री है वो किस हिसाब से हमें करनी है, क्या चीजें हमें ध्यान में रखने की जरूरत है जो कि हमारे एग्जाम जो रिजल्ट होते हैं ध्यान रखे बेहतर तरीके से आ सके। यानी कि आपका रिजल्ट आपके प्रेजेंटेशन पे डिपेंड करता है जो आपके कॉपी में करते हैं आप। चाहे आप 12th में मेरिट रहे हो लेकिन आपको अगर कॉलेज एग्जाम की कॉपी है वो सही तरीके से भरनी नहीं आती है, यानी कि आप एग्जाम में बहुत सी चीजें गलती कर देते हैं। कॉपी किस तरीके से क्वेश्चन को कैसे प्रेजेंट किया जाता है, क्या चीजें हमें ध्यान में रखनी होती हैं। अब देखो राजस्थान यूनिवर्सिटी की ही बात करूं मैं, यहां पर 21 मार्च से एग्जाम शुरू हो रही है। वे विद्यार्थी जो फर्स्ट ईयर में फेल हो गए एक्स स्टूडेंट, वे विद्यार्थी जो सेकेंड ईयर में है, थर्ड ईयर में है, रेगुलर नॉन एक्स, इन सभी की एग्जाम शुरू हो रही है ध्यान रखे। तो ये जो एग्जाम शुरू, इन्होंने एक बार एग्जाम दे रखा है यूनिवर्सिटी का, अब कहां पे आपकी गलतियां हुई कि आपके अच्छे नंबर नहीं पहुंच पाए पिछली बार में। जिनके अच्छे नंबर आए बहुत अच्छी बात है, थोड़ा सा बेहतर और अधिक अत्यधिक करने की आवश्यकता है, खुद से भी कर सकते हैं या फिर इस वीडियो के माध्यम से भी कुछ अगर आपको मिले हिंट तो बिल्कुल आप प्रयास करेंगे। नहीं मिल पाता है इससे भी बेहतर आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है। मैं कहूंगा कि अपने जो भी साथी मित्र हैं उन सभी को भी बताया करें ताकि उनका भी परसेंटेज वगैरह बहुत अच्छे से बने, क्योंकि आजकल ग्रेजुएशन में भी परसेंटेज मांगने लग गए हैं। बात करते हैं यहाँ पर यूनिवर्सिटी एग्जाम कॉपी में कैसे लिखने होता है और लिखने का तरीका जिसके बारे में सबसे इंपॉर्टेंट है, कुछ टिप्स दिए हुए ध्यान रखे, कुछ चीजें जो बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए ध्यान रखने वाली हैं इस वीडियो के माध्यम से आपको समझाने वाला हूं। कुछ पॉइंट लिखे हैं, बस इसी तरीके से आपको समझना है और ये निश्चित रूप से आपके परिणाम में परिवर्तन करेंगे, मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं। बात करते हैं कि देखो भैया कोई भी एग्जाम आप कर रहे हैं, किसी भी एग्जाम में आप मान लो कि फर्स्ट ईयर का एक स्टूडेंट है, फिर सेकंड ईयर के विद्यार्थी हैं। देखो बीए बीएससी बीकॉम तीनों के लिए मैं आपको चीजें बताने वाला हूं। देखो बीएससी के विद्यार्थियों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं पहले ही बता देता हूं आपको कि बीएससी के विद्यार्थी कभी भी पन्ने भरने की कोशिश ना करें। आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या होता है, कंसेप्ट इंपॉर्टेंट होता है ध्यान रखे। जो आता है, जो पूछा गया है ध्यान रखे, जो आता है उससे रिलेटेड लिखो, नहीं आता है तो उसके कहीं इर्द गिर्द आपको लिखना पड़ेगा। अब ऐसा नहीं है जो आता ही नहीं और जो लिखा है वो भी कहीं नहीं मिल रहा, उस यूनिट में ही नहीं है कहीं, ध्यान रखे। तो ऐसी गलती नहीं करनी है, इसलिए कह रहा हूं जो आता है सबसे पहले लिखना होता है बीएससी के विद्यार्थी, इंपॉर्टेंट बात है आप लोगों के लिए। आप पन्ने भरने पे फोकस नहीं करेंगे। बात करें बीए और बीकॉम वाले विद्यार्थियों के लिए, वो चीजें यहाँ पर कुछ ना कुछ मैच करने वाली है, इसलिए बीएससी के विद्यार्थियों के लिए ये वीडियो उस तरीके से होने वाला भी नहीं है। फिर भी आपको मैं काफी चीजें समझा देता हूं जो प्रेजेंटेशन में इंपॉर्टेंट होती है, काफी विद्यार्थी प्रेजेंट नहीं कर पाते कि कॉपी में किस तरीके से हमको लिखना होता है। बात करते हैं कि जब आपके पास पेपर होता है, 3 घंटे का पेपर होता है भैया, 3 घंटे का पेपर, इतना अत्यधिक समय आपको मिलता है, 5 मिनट शुरुआत के उस तैयारी के लिए दे दीजिए। ध्यान रखिए कि आपको अगले 3 घंटे के अंदर क्या करना है, उस समय 3 घंटे में केवल आपका फोकस पेपर पे होना चाहिए जो आपके पास अवेलेबल है। सबसे पहले क्या करेंगे, रीड फर्स्ट, उस पेपर को पढ़ना है, देखें कौन सा क्वेश्चन जो आपने पढ़ा है वहां से आया है, टिक कर लो हल्का सा बिंदी वहां पे लगा लेंगे, यह क्वेश्चन मैंने पढ़ा था बहुत अच्छे तरीके से आ गया। सपोज दैट 10 क्वेश्चन आए पेपर में, आपको 6 क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से आ रहे हैं, उसको टिक कर लो, भाई 6 क्वेश्चन मुझे बहुत अच्छे तरीके से आते हैं, ये मैं कर जाऊंगा बहुत अच्छे तरीके से। अब 6 में भी यह डिसाइड करो कि सबसे पहले कौन सा आता है बहुत अच्छे से, जिसमें आप अच्छे से लिख सकते हैं, बहुत अच्छे तरीके से उसको पढ़ा है, उसको लिख लिख के हमने याद किया है, या फिर सबसे ज्यादा अच्छा जिसमें मैं कोई गलती नहीं करूंगा, वो सारी चीजें आपको सबसे पहले लिखनी है ध्यान रखें। जब आप पेपर देख रहे हो, जब भी क्वेश्चन आप देख रहे हो कि भाई यह क्वेश्चन मुझे आता है, दूसरा बात करो दूसरा क्वेश्चन देख रहे हो दूसरा भी मुझे आता है, तो उसी टाइम आपको प्लान यह माइंड में कर लेना चाहिए कि, और आपके याद भी आ जाएंगे अगर आपने पढ़ा है वो क्वेश्चन, तो ऑटोमेटिकली आपने सीरीज से पढ़ा हो, सोलर पेपर से पढ़ा हो, तो जो क्वेश्चन आपने पढ़ा है ध्यान रखे वो ऐसे कैसे सामने आ जाता है कि हाँ ये क्वेश्चन मैंने इस तरीके से पढ़ा था, और ठीक वो चीजें ध्यान रखे यहाँ पे आपको लिखनी है इसी तरीके से। तो इसलिए कह रहा हूं सबसे पहले पेपर को समय दो, 5 मिनट 10 मिनट का समय पेपर को दो, या डिसाइड करो कि आपको कौन से क्वेश्चन करने हैं, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट बात यही होती है भैया कि जो क्वेश्चन आपको सबसे पहले आता है बहुत अच्छे तरीके से आता है सबसे पहले उसको करा करें। शुरुआत के जो पेज होते हैं उसमें इंपॉर्टेंट होता है, कोई काटा फांसी नहीं होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट यही होता है ताकि आपकी कॉपी चेक करे तो आपका इंप्रेशन बना रहे ध्यान रखे टीचर की तरफ से, तो टीचर आपको देखे, जब आपकी कॉपी को देखे तो लगे कि वास्तव में बच्चे ने बहुत अच्छी पढ़ाई की है और ठीक वैसा उसने लिखा भी है, इसी चीजों का प्रभाव पड़ता है कॉपी पर। बात करें अटेम्प्ट, देखो क्वेश्चन कोई भी नहीं छोड़ना है, अटेम्प्टिंग जो होती है सबसे इंपॉर्टेंट होती है, सबसे पहली बात तो मैंने पहले कह दी, क्वेश्चन कोई भी नहीं छोड़ना है, पूछा गया जो लिखना है ध्यान रखे। कभी आप सोचे कि मुझे नहीं आता था मैं छोड़ के आ गया, देखो जो छोड़ के आ गया उसमें तो नंबर मिलने वाला ही नहीं है, इसलिए कह रहा हूं जो सबसे पहले आते हैं, जो अच्छे से आते हैं आपको सबसे पहले लिखेंगे।
जिसमें कोई काटा फांसी आपको नहीं करनी है। दूसरा उसके बाद में बताऊं, जो नहीं आते उसको लेट कर देंगे, ध्यान रखें बाद में लिखें, करके तो उसको भी आना है ध्यान रखें, लेकिन करके आना उसको बाद में कर देना, जब सबसे पहले आता है उसको सबसे पहले करना, ठीक है। ये बात हो गई। राइट अकॉर्डिंग क्वेश्चन, जैसा क्वेश्चन में पूछा गया है उसी हिसाब से आपको लिखना है। देखो क्वेश्चन में क्या होता है भैया, क्वेश्चन कई बार क्या टुकड़ों में बटा होता है, 4+5+10 यहाँ पे आ जाएगा, 11 या फिर बात कर जैसे आ जाएगा 5+5+10, मान लो कोई 20 नंबर का क्वेश्चन है, ध्यान रखे इस तरीके से आ गया, 5 नंबर की अलग चीज पूछी गई है, 5 नंबर की और चीज पूछी गई है, 10 नंबर की उसी चीज पूछी गई है, इस हिसाब से आपको लिखना है, ताकि उसको लगना चाहिए कि मैंने 3 चीजों के बारे में पूछा था, 2 चीजों के बारे में पूछा था, दोनों अलग अलग तरीके से उसमें लिखी गई है। अब ऐसा नहीं है कि पॉइंट ही दोनों का अलग बना देंगे भाई, क्वेश्चन नंबर तो एक बार ही आपको लिखना है भाई, क्वेश्चन मान लो किसी ने लिखा क्वेश्चन 5, उसमें 3 चीजें पूछी गई हैं, तो फिर उसको हेडिंग डाल डाल के लिखते जाएंगे। कभी भी ये नहीं करना कि क्वेश्चन 5 लिख दिया उसके बाद में हमने ना तो कभी पैराग्राफ चेंज किया, ना फिर कोई हेडिंग वेडिंग लगाई, इस तरीके की चीजें ध्यान रखें। आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात आपकी प्रेजेंटेशन में आते हैं उसमें इसी में बता देता हूं, ध्यान रखें कि जब आप क्वेश्चन सोल्व कर रहे हो तो सबसे पहले आपको हेडिंग लिखना इंपॉर्टेंट होता कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, उसके बाद में उसके प्रकार वगैरह हैं या फिर उसके जो पॉइंट्स बनते हैं, ध्यान रखें जो भी पॉइंट्स बनते हैं उनको लिखें, फिर उसके बाद में डेफिनेशन दो उनकी। दूसरा बात करें कि कभी भी ऐसा ना हो कि एक पेज आपका, मान लो ये एक पेज है, यहां से शुरू किया और यहां पे खत्म कर रहे हो, ऐसा नहीं करना है भैया। क्या करना है, 4-5 लाइनें लिखी, पैराग्राफ बदलो, यहां से शुरू करो, फिर उसके बाद में लिखा कि आपको पता चला कि भाई के नाम है, यहां पे पैराग्राफ बदलने की आवश्यकता है, फिर यहां से लिख दो इस तरीके से, यानी कि आपको पेपर में लगना चाहिए, आपकी कॉपी में लगना चाहिए कि आपको पैराग्राफ वगैरह बदलना आता है, किस तरीके से आपने चीजें अलग तरीके से लिखी। ऐसा नहीं करना पूरा पेज यहां से शुरू करके यहां पे खत्म कर दिया, इन चीजों से नंबर नहीं मिलते हैं, ये स्मार्ट तरीका नहीं है, फिर से बात बता रहा हूं। दूसरा बात करूं, काफी विद्यार्थी पूछते हैं कि भाई पेन को लेकर, तो भैया हेडिंग जो है आपको ब्लैक पेन से लिख सकते हैं, ठीक है। एक चीज और बता देता हूं कि आप क्या है कि एग्जाम देने जाते हैं जब नया पेन लेके चले जाते हैं तुरंत ही, इसलिए कहता हूं उसमें भी गड़बड़ होती है, वो नया पेन क्या है कि 2 दिन तक तो रिएक्ट करेगा, लिखने में समस्या करता है, इसलिए कह रहा हूं उसको पहले से थोड़ा सा प्रैक्टिस में ले लीजिए, ऐसे पेन ले जाए जो आपने पहले से यूज किया हुआ, जिसका यानी कि एक दिन उसको आपने यूज किया हुआ है, तो फिर क्या रफली चलता है, बहुत अच्छे तरीके से वो चलता है और फास्ट भी आप लिख पाएंगे। नया पेन थोड़ा सा स्लो वर्क करता है और साफ भी नहीं दिखता है, बहुत अच्छे तरीके से दिखता भी नहीं है, उसमें काफी दबाव आपको डालना पड़ता है जब नया पेन होता है। ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, आपको लगता है कभी नया पेन यूज करके देखना भैया, उसमें बहुत सी दिक्कतें आती है लिखने में, इसलिए कह रहा हूं कि पुराने पेन जो आपके जिसमें मतलब कि 2 दिन आपने यूज कर लिया उनको, उनसे लिखना प्रयास रहेगा, बेहतर होगा, ठीक है। हेडिंग को लेकर मैंने बता दिया, जब भी पॉइंट बनाए थोड़ा सा डिफरेंट करने की कोशिश करें, मान लो सपोज दैट ये है आपने हेडिंग लगाई, कोई भी पॉइंट था, राज्यपाल ही था, जैसे कि मेरे पास तो राज्यपाल ही होता है हर बार याद होता है, ठीक है, ऐसे बना दिया, राज्यपाल का शक्तियां, राज्यपाल के कार्य, राज्यपाल की जो भी चीजें आती हैं, उसके बाद में पॉइंट बना बना के आपको लिखने हैं उसमें। ये आप डिफरेंट पेन से लिख सकते हैं, रेड से नहीं लिखना लेकिन, है ना, यहाँ पे ब्लैक से लिख लेना, ध्यान रखें इस तरीके से हेडिंग बना लेंगे। हैंड राइटिंग, अब आती है बात की, जब आप लिख रहे होते हैं, जब आपके पास 3 घंटे होते हैं, तो देखो भैया शुरुआत में क्या है कि आप, मैं फिर से कह रहा हूँ बार बार, शुरुआत में धीरे लिखने का प्रयास करेंगे। धीरे का मतलब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही बैठ जाए, बिल्कुल ही कि भाई हमें जो एक क्वेश्चन आधे घंटे में सोल्व, इतना समय भी नहीं देना किसी क्वेश्चन को। हैंड राइटिंग सबसे इंपॉर्टेंट होती है, अत्यधिक प्रयास करें कि अच्छा लिखने का प्रयास करें। जब आपके पास समय कम बच रहा हो, लास्ट में क्वेश्चन ज्यादा बच गए हों, तो आप थोड़ा सा फास्ट स्टडी कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप ऐसा लिखा है कि मैं कुछ समझ में नहीं आ रहा। दूसरा बात करूं हैंड राइटिंग में, सपोज दैट देखो जैसे मैं अभी बताता हूं आपको, मैंने यहां पे लिख रखा है हेडिंग, यहां पे चलो मैं लिख देता हूं राज्यपाल। अब क्वेश्चन यहां पे लिखा हुआ है, यहां पे आंसर लिखा हुआ, लिख दिया पूरा। अब आपको लगा कि यार राज्यपाल नहीं लिखना था यहां पे, यहां पे लिखना था मुख्यमंत्री, तो आप क्या करेंगे, इसको इतना सा काटा करें बस, ठीक है। कभी भी उस पर असर नहीं कि कर दिया काम, ये वो टीचर को दिख जाता है भाई, वो समझेगा कहीं ना कहीं गलती, और 2-4 कॉपी में अगर 2-3 जगह ऐसा लिखा जाता है तो बिल्कुल आपका कॉपी अलग से हाईलाइट होगी, पेज अलग से हाईलाइट हो जाएगा। इसलिए कह रहा हूं बस राज्यपाल लिख दिया, आपको लगता है कि भाई ये गलत लिखा गया तो इसको ऐसे कर देना, बस एक बार ही काटना, जिससे वो ज्यादा हाईलाइट भी नहीं होगा और पढ़ने में वैसा लगेगा ठीक है भाई, कोई दिक्कत, इतना कोई नहीं पढ़ता एक लाइन तरीके से, ठीक है। और जो भी आप लिखना चाहते हैं उसके आगे लिख देना, ठीक है, या फिर नीचे लिख देना, इस तरीके से आपको लिखना। ये हैंडराइटिंग से रिलेटेड चीजें होगी। बात करते हैं हाउ मेनी पेज फिलिंग इन कॉपी अकॉर्डिंग क्वेश्चन मार्क्स। अब सवाल आता है कि 2 नंबर का क्वेश्चन है, 4 नंबर का क्वेश्चन है, 5 नंबर का क्वेश्चन है, 20 नंबर का क्वेश्चन है, कितने पेज हमको भरने चाहिए।
इसके बारे में बात कर लेता हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, ध्यान रखिए, बीएससी में तो लागू नहीं होती, ये लागू होती है बीए बीकॉम वाले विद्यार्थियों के लिए। देखो भैया, मैंने बीएससी के लिए बताया, आपका कंसेप्ट जो पूछा गया उतना लिख दो, उसमें पेज मायने नहीं रखते। बात करते हैं कि दो नंबर का क्वेश्चन आता है तो आप 4 से 5 लाइन, ठीक है, 2 नंबर का क्वेश्चन आता है 4 से 5 लाइन में खत्म कर दो। 3 नंबर या 4 नंबर का आता है तो आप 1 पेज तक उसको ले जा सकते हैं, ठीक है। 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, ध्यान रखें, तो आप उसको ये मान के चलिए कि डेढ़ पेज या 2 पेज तक ले जा सकते हैं, ठीक, ज्यादा फिर वो दिक्कत करेगा। बात करें कि 20 नंबर का क्वेश्चन आता है, उसमें क्या है कि भाई 5 पेज है ना। अब काफी विद्यार्थी क्या करते हैं कि पेज उनको समझ में नहीं आता है कि किस तरीके से होता है। देखो, कोई एक पेज होता है ऐसे कि सामने की तरफ से, मैं सपोज दे, मेरे पास पेज तो नहीं, हालांकि छोटा सा स्लिप है, ऐसे पेज है। अब ये क्या है कि भाई इस साइड से हम काउंट कर रहे हैं, 1 हो गया, मैंने जो बताया यहाँ पे इस तरीके से बताया, 1 ये काउंट हो गया और दूसरा मैंने इस तरीके से काउंट कर लिया, ठीक है, ये बातें हो गई इस तरीके से। आपको इसी तरीके से भरना है, मिनिमम 5 पेज तक 20 नंबर के क्वेश्चन को लेके जाना पड़ेगा, 5 मिनिमम है, ध्यान रखें, 6 ज्यादा से ज्यादा कर देना, बहुत ज्यादा फिर लंबा क्वेश्चन बन जाता है, इतना नंबर भी नहीं मिलता, इसलिए कह रहा हूं ये नंबर वाला सिस्टम हो गया। अत्यधिक लिखने का प्रयास करने का मतलब नहीं है भैया, आप जितना लिखेंगे जितना पूछा गया है बेहतर तरीके से लिखेंगे, आप अच्छे तरीके से, यानी राइटिंग अच्छी है, आपको पॉइंट्स बना बना के लिखना आता है, बहुत अच्छे नंबर मिल जाएंगे, कम लिखे हुए में भी बहुत अच्छे नंबर। काफी लोग कहते हैं कि मैं 15 पेज ही भर के आया था और मुझे बहुत अच्छे नंबर मिले, उसका कारण क्या होता है, आपकी राइटिंग बहुत अच्छी थी, आपने जो पूछा गया उसके बारे में बहुत अच्छे तरीके से समझाया है, हेडिंग टॉपिंग वगैरह जो भी है, ध्यान रखे, वो सारी चीजें बहुत अच्छे तरीके से समझाई इस वजह से। और काफी लोग 25-25 पेज 30-30 पेज भर देते हैं लेकिन नंबर नहीं मिलते, उसका कारण क्या होता है, आपका प्रेजेंटेशन ठीक नहीं है, किस हिसाब से पूछा गया, क्या चीजें हैं, वो सारी गलती हो जाती है, इस वजह से दिक्कत हो जाती है। इसलिए कह रहा हूं ये कुछ टिप्स थे जो आपके एग्जाम से बहुत मदद करने वाले, उम्मीद है काम आएंगे आने वाले समय में। कुछ वीडियो मैंने पहले के डाले हुए थे लेकिन अभी फिलहाल जो अपडेटेड है, ध्यान रखें, वो आपको मैंने बताया है, पिछले वीडियो में काफी चीजें नहीं बताई हुई थी, इस तरीके से मैंने बता दिया। तैयारी से रिलेटेड काफी वीडियो चैनल पर डले हुए, उनको देख लेंगे, जुड़े रहेंगे चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें, इंस्टाग्राम चैनल के माध्यम से मुझसे बात कर लेंगे, भविष्य में कभी भी लगे आपको कोई कंफ्यूजन है तो जुड़े रहेंगे चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें, थैंक यू।